सर बिहार में क्या स्थिति देख रहे हैं सर, पांच चरण के बाद क्या है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सर। इधर मतलब उनको इस बात का एहसास है ना कि बिना हमारे मुख्यमंत्री के ये लोग चुनाव नहीं जीत सकते हैं। हमारे मुख्यमंत्री के नाम का इस्तेमाल चुनावी लाभ के लिए अगर तेजस्वी जी को करना पड़ रहा है तो ये दर्शाता है कि कितने असमर्थ हैं, कितने कमजोर हैं वो हमारे मुख्यमंत्री जी के बिना। आज जब वो उनके साथ गठबंधन में नहीं भी हैं, तब भी उनके नाम का इस्तेमाल करके भ्रम फैलाकर ये अपनी स्थिति को बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। गया वो जमाना जब बिहार के लोगों को इस तरीके से बहला फुसला कर ये लोग उलझा लेते थे। आज की तारीख में बिहार की जनता इतनी जागरूक है, इतनी जानकार है कि वो आपकी मंशा को भली भांति भाग सकती है। जनता जानती है कि कितना मजबूत हम लोगों का एनडीए गठबंधन है। जनता अच्छी तरीके से जानती है कि कैसे पूरा एनडीए हम लोग एक साथ हम लोग प्रचार में हम लोग उतरे हुए हैं। वहीं इंडी अलायंस के इन लोगों के गठबंधन में बता दीजिए एकता कहाँ है। बिहार में आज पांचवें चरण का चुनाव अब करीब है, पांचवा चरण होने को आया है। एक मंच मुझे बता दीजिए जो भव्य तरीके से बिहार में तैयार हुआ हो, जहाँ पे इंडी अलायंस के तमाम घटक दल एक साथ दिखाई दिए हों। इनके तो चुनाव प्रचार में भी महज एक डेढ़ पार्टी ही प्रचार कर रही है। कांग्रेस के शीर्ष नेता को बिहार से कोई लेना देना नहीं है। जो गांधी परिवार है उनको बिहार की कोई चिंता नहीं है, एक बार आकर खाना पूर्ति कर चले गए। वही हमारे प्रधानमंत्री जी को देखिए, लगभग हर चरण में आकर और तो और पटना में रोड शो तक हमारे प्रधानमंत्री करके गए हैं। हमारे गठबंधन की एकता हमारी ताकत है और ये बिखरा हुआ विपक्ष ही इन लोगों को ऐसे बयान देने के लिए मजबूर करता है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी देश छोड़कर भागने वाले और 400 का जो आंकड़ा है वो भी पार होगा। 400 का आंकड़ा जरूर पार होगा और इस बार विपक्ष और विपक्ष में खास तौर पर कांग्रेस, क्योंकि राजद के बारे में कहने का मतलब नहीं, अब ऑल टाइम लो पे क्या ही जाएगी, ऑलरेडी जीरो पर है, तो अब उससे नीचे तो लोग क्या ही जाएंगे। बट कांग्रेस को आप देखिएगा, कांग्रेस ऑल टाइम लो पर इस बार जाएगी।